नमस्कार। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में। अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़े हुए फैक्ट्स पर अब हम लोग चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड्स के इम्पोर्टेंस को, ये क्या करता है, इसमें क्या क्या दिक्कतें आने से क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज डेवलप होती हैं। तो 3200 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, एवरेज लेंथ इसकी 55 सेंटीमीटर होती है। ये फीटस को प्लेसेंटा से कनेक्ट करने का पार्ट है। और एक बात याद रखिएगा कि अगर इसकी लेंथ 30 या 35 सेंटीमीटर से अगर शॉर्ट है तो इसे शॉर्ट कॉर्ड कहा जाता है। वहीं एक बात याद रखना है कि अम्बिलिकल कॉर्ड एक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होती है। अगर ये 70 सेंटीमीटर से ज्यादा इसकी लेंथ हो जाती तो इस दौरान इसे लॉन्ग कॉर्ड कहा जाता है। तो लॉन्ग कॉर्ड शॉर्ट कॉर्ड का आपको तरीका समझ में आ गया। ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होती है और इसके क्वाइल्ड्स को एक स्पेशल नाम देते हैं। इसके क्वाइल्ड्स को हम कहते हैं फोल्ड्स ऑफ होबोकॉन। इसके क्वाइल्स को नाम देते हैं फोल्ड्स ऑफ होबोकॉन। यहां पर आप इस इमेज में देख सकते हैं ये अम्बिलिकल कॉर्ड किस तरीके से क्वाइल्ड है और इसके क्वाइलिंग को क्या कहते हैं। इनके क्वाइल्स को कहते हैं फोल्ड्स ऑफ होबोकेन, कॉन केन जो भी बोल लें, स्पेलिंग होता है HOBOKEN, होबोकेन। तो फोल्ड्स ऑफ होबोकेन क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड की फोल्ड्स को कहा जाता है। इसके अलावा एक और फैक्ट हमें याद रखना है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड की कनेक्टिव टिश्यू होती है उसे वार्टन्स जेली कहा जाता है। वार्टन्स जेली किसे कहते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड की कनेक्टिव टिश्यू को। इस इमेज में हम देख सकते हैं वार्टन्स जेली के बारे में। यहां पर देख सकते हैं दो अम्बिलिकल आर्टरी, एक अम्बिलिकल वेन और ये कॉर्ड का जो कनेक्टिव टिश्यू है जिसे हम वार्टन्स जेली कहते हैं। तो इसको हमने अम्बिलिकल कॉर्ड के क्रॉस सेक्शन में देखा है, आप यहां पर अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो वार्टन्स जेली के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब हम देखेंगे कि अर्ली फेटल लाइफ में अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या वेरिएशन होते हैं जो बाद में चेंज हो जाते हैं। तो आप देखेंगे अर्ली फीटल लाइफ में अम्बिलिकल कॉर्ड में 4 ब्लड वेसल्स होते हैं। इसमें से राइट अम्बिलिकल आर्टरी, लेफ्ट अम्बिलिकल आर्टरी, राइट अम्बिलिकल वेन, लेफ्ट अम्बिलिकल वेन, इस तरीके से इसका ओरिएंटेशन होता है। तो यहां पर राइट लेफ्ट इस तरीके से आर्टरी और वेन होते हैं, लेकिन बाद में चल करके राइट अम्बिलिकल वेन डिसअपियर हो जाता है, इसीलिए सिंगल अम्बिलिकल वेन नजर आती है और 2 अम्बिलिकल आर्टरी होती है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड में 3 ब्लड वेसल्स बाद में चल करके, एट द टाइम ऑफ बर्थ केवल 3 ब्लड वेसल्स नजर आते हैं, राइट अम्बिलिकल आर्टरी, लेफ्ट अम्बिलिकल आर्टरी, लेफ्ट अम्बिलिकल वेन। राइट अम्बिलिकल वेन डिसअपियर हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो ग्रोथ का जो फेज होता उस दौरान ये राइट अम्बिलिकल वेन डिसअपियर हो जाता है। तो इसमें यहां पर भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा एक सवाल ये पूछा जाता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड कहां पर जाकर के अटैच्ड होता है। उन सारी चीजों को हमने पहले डिस्कस किया है, सेंट्रली इंसर्शन होता है, ये चीज हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है। कार्डियोसेंटेसिस को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, उससे पहले उन सारी चीजों को रिवाइज कर लें जो कि अम्बिलिकल कॉर्ड से रिलेटेड हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसमें हम लोगों ने देखा था सेंट्रली इंसर्ट करता है कॉर्ड नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन अगर लैटरल इंसर्शन होता है प्लेसेंटा पर तो इसे बैटल डोर प्लेसेंटा कहते हैं, ये बात हम लोगों ने पढ़ा था। अब यहां कार्डियोसेंटेसिस की बात करें, कार्डियोसेंटेसिस में ब्लड सैंपल लिए जाते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड से, अम्बिलिकल वेन से ब्लड सैंपल लेकर के हम डायग्नोसिस करते हैं, किसी भी तरीके के कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज को जानने की कोशिश करते हैं। इस दौरान अम्बिलिकल वेन से जो सैंपल लिए जाते हैं वो मोर देन
20 वीक्स के बाद ही लिए जाने चाहिए। तो कॉर्डोसेंटेसिस कार्डियो नहीं है, कॉर्डोसेंटेसिस है। इस दौरान अम्बिलिकल कॉर्ड से, खासतौर पर अम्बिलिकल वेन से ब्लड लिया जाता है, ये याद रहना चाहिए। और मोर देन 20 वीक्स के बाद ये ब्लड के सैंपल लिए जाते हैं। साइट कौन सा होगा? तो नियर टू इंसर्शन ऑफ कॉर्ड टू द प्लेसेंटा, वहां से सैंपल लेने चाहिए। इस इमेज में हम देख सकते हैं कॉर्डोसेंटेसिस के लिए इंसर्शन जहां पर प्लेसेंटा का हो रहा है, कॉर्ड का, वहां से हम सैंपल निकालते हैं। तो यहां पर आप देखें कॉर्डोसेंटेसिस, इस तरीके से प्रोसेस होती है। तो इस तरीके से ये एक प्रक्रिया है जिसमें हम कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज को जांचने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये बहुत ही रिस्की प्रक्रिया है। इसकी वजह से फीटल लॉस हो सकता है, एबॉर्शन हो सकता है, और ये 3% मामलों में ऐसा देखा भी गया है कि फीटल लॉस या एबॉर्शन हो जाते हैं। तो इसलिए इस प्रोसेस को करते समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए। अब हम कॉर्ड की एबनॉर्मेलिटीज के बारे में बात करेंगे। एबनॉर्मेलिटीज में हम लोगों ने पहले ही देख लिया था, डिस्कस कर लिया था कि फीटल मेम्ब्रेन का अटैचमेंट कैसे है अम्बिलिकल कॉर्ड पर, उन सारी चीजों को देख लिया था। इसके साथ ही साथ एक रेयर कंडीशन है जिसमें अम्बिलिकल कॉर्ड का जो अटैचमेंट होता है वो पहले तो फीटल मेम्ब्रेन पर होता है, उसके बाद वो प्लेसेंटा पर अटैच होता है। तो ये एक रेयर कंडीशन होती है जिसमें पहले फीटल मेम्ब्रेन पर अटैच हो जाता है, उसके बाद जाकर के अम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा पर अटैच होता है। ये चीज आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा। इस कंडीशन को वैसे वेलामेंटस इंसर्शन ऑफ कॉर्ड कहा जाता है। इस कंडीशन को मैं एक इमेज के माध्यम से दिखाऊंगा। इस इमेज में आप देख सकते हैं विलामेंटस कॉर्ड इंसर्शन को। यहां पर देखें अम्बिलिकल कॉर्ड किस तरीके से ट्विस्टेड है, और ये पहले तो जो फीटल मेम्ब्रेन है उससे अटैच हो रहा है, फिर जाकर के ये राउंड होकर के ये जा रहा है, प्लेसेंटा से अटैच हो रहा है। वैसे तो ये सीधे प्लेसेंटा से अटैच होना चाहिए, नॉर्मल अम्बिलिकल कॉर्ड का इंसर्शन सीधे प्लेसेंटा से होता है, लेकिन ये पहले फीटल मेम्ब्रेन से अटैच होता है। फीटल मेम्ब्रेन का मतलब ये जो फीटल की सराउंडिंग जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसकी मेम्ब्रेन से, यानी एमनियन कोरियन की जो लेयर होती है उस मेम्ब्रेन से आकर के ये अटैच्ड होता है, उसके बाद ये प्लेसेंटा से जाकर के अटैच होता है। तो इसे विलामेंटस कॉर्ड इंसर्शन कहा जाता है। तो इमेज के माध्यम से वो चीजें हम लोगों ने देखा विलामेंटस इंसर्शन को। विलामेंटस इंसर्शन एक बहुत ही टिपिकल कंडीशन होती है, क्योंकि इसकी वजह से वैसा प्रीविया हो जाता है। तो ये ग्रेव कंडीशन है जिसकी वजह से वैसा प्रीविया होता है। अब ये वैसा प्रीविया की कंडीशन को आप यहां पर देख सकते हैं। इसकी समस्या क्या होती है उसको भी इसी इमेज के माध्यम से हम समझ पाएंगे। एट टर्म जब सर्विक्स डायलेट करेगा तो मेम्ब्रेन रप्चर करती है। जब ये मेम्ब्रेन रप्चर करती है तो उसी मेम्ब्रेन से अटैच्ड है अम्बिलिकल कॉर्ड। देखिए ना, अम्बिलिकल कॉर्ड उसी मेम्ब्रेन से अटैच्ड है। जब मेम्ब्रेन रप्चर करती है तो उसी समय अम्बिलिकल कॉर्ड भी रप्चर हो जाएगा, जिसकी वजह से अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन से ब्लीडिंग होने लगेगी। तो अम्बिलिकल कॉर्ड डैमेज हो जाएगा, और जिसकी वजह से अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन से जो ब्लीडिंग होने लगी है वो फीटस के लिए काफी डेंजरस साबित होती है। तो यहां जो ब्लड लॉस होता है वैसा प्रीविया में वो फीटल ब्लड लॉस होता है, वो मैटरनल ब्लड लॉस नहीं होता है। और इस तरीके से ब्लीडिंग होने से फीटस या फीटस हाइपरटेंशन में चला जा सकता है, और इसके कारण फीटस की डेथ हो सकती है। तो एक बात यहां पर याद रहना चाहिए, वैसा प्रीविया में प्रॉब्लम किसको होती है? बेबी को होती है। जो ब्लड लॉस होता है वो किसका होता है? फीटल ब्लड लॉस होता है। तो इस इमेज के माध्यम से देख सकते हैं विलामेंटस
कॉर्ड इंसर्शन कैसा होता होगा, और यहां पर मैंने इमेज में पहले ही दिखा दिया है कि कैसे ब्लड लॉस यहां पर पॉसिबल होता है, वो ब्लड लॉस क्यों होता है, ब्लड लॉस किसका होता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए एक बार फिर से पैथोजेनेसिस को रिवाइज कर लेते हैं। एट टर्म जब सर्विक्स डायलेट करेगा, मेम्ब्रेन रप्चर करेगा, तो मेम्ब्रेन जो अटैच्ड है अम्बिलिकल कॉर्ड से, वो अम्बिलिकल कॉर्ड भी रप्चर हो जाएगा। तो अम्बिलिकल कॉर्ड के रप्चर होने से अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन भी डैमेज होंगे, और अम्बिलिकल कॉर्ड के डैमेज होने से ये जो आर्टरी और वेन है उनसे ब्लीडिंग होने लगेगा। तो अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन से ब्लीडिंग होने से ब्लड लॉस होने लगेगा, वैसा प्रीविया में, और इसके कारण फीटल ओरिजिन का ब्लड लॉस होगा, इसलिए फीटल डेथ हो जाती है। तो ये फीटल ब्लड जो कम आउट होता है वो मैटरनल वेजाइना से होता है, और इस वजह से कई बार कंफ्यूजन होता है कि ये एंटी पार्टम हेमरेजेस हो सकते हैं, लेकिन ये एंटी पार्टम हेमरेजेस नहीं है, और एंटीनेटली ये कंडीशन डायग्नोस की जा सकती है डॉपलर अल्ट्रासाउंड की मदद से। चूंकि ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, फीटस डिलीवरी के समय डेथ हो सकता है, इसलिए डॉपलर अल्ट्रासाउंड के द्वारा हम एंटीनेटली इस तरीके के कंडीशन को डायग्नोस कर सकते हैं और मैनेजमेंट के बेहतर ऑप्शन चुन सकते हैं। मैनेजमेंट का बेहतर ऑप्शन क्या हो सकता है? LSCS यहां पर ऑप्शन होगा। एक बात समझ लें कि ब्लीडिंग अगर होने लगा तो फिर फीटस की डेथ काफी हद तक प्रोबेबिलिटी होती है कि हो जाएगी। तो इसीलिए हम यहां पर जब ब्लीडिंग होती है, पर वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, तो कंफ्यूजन बना रहता है कि एंटीपार्टम हेमरेजेस है या फिर फीटस का ब्लड लॉस हो रहा है। तो इस तरीके के ब्लीडिंग को डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिससे हम फीटल ब्लड और मैटरनल ब्लड में अंतर कर सके। तो इसके लिए सिंगर एल्कली डीनेचुरेशन टेस्ट किया जाता है। ये सिंगर एल्कली डीनेचुरेशन टेस्ट इस प्रिंसिपल पर आधारित है कि मदर और जो फीटस का ब्लड है वो दो डिफरेंट तरीके के हीमोग्लोबिन को रखता है। जैसा कि आप जानते हैं, जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है उसको HbF कहा जाता है, जबकि मैटरनल हीमोग्लोबिन को HbA कहा जाता है। फीटल हीमोग्लोबिन एल्कली और एसिड से रेसिस्टेंट होता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि आप देखेंगे जो मैटरनल हीमोग्लोबिन होता है वो एसिड या एल्कली से प्रभावित हो जाता है। तो यहां पर हम देखेंगे HbF और HbA के साथ कैसा रिस्पॉन्स होता है एल्कली का। तो एल्कली के लिए पूरी तरीके से नॉन रिस्पॉन्सिव होता है HbF, यानी फीटल अगर ब्लड रहा तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही प्रिंसिपल यहां पर अप्लाई किया जाता है। प्रिंसिपल क्या होगा? वैसा प्रीविया में ब्लीडिंग जो अगर फीटस से आ रहा होगा, फीटल ब्लड से आ रहा होगा, तो फीटल ब्लड के पास HbF होता है, और HbF रेसिस्टेंट होता है एसिड और एल्कली दोनों के लिए। जबकि अगर प्लेसेंटा प्रीविया है जिसमें ब्लीडिंग मैटरनल होता है, जिसमें ब्लड जो कमिंग आउट होता है, जो ब्लड वो मैटरनल ब्लड होता है प्लेसेंटा प्रीविया में, तो इसको सिंगर यहां पर अगर यहां पर सिंगर एल्कली डीनेचुरेशन टेस्ट कराया जाएगा तो मैटरनल ब्लड में HbA पाया जाता है, जो कि सीधे तौर पर प्रभावित होता है, डीनेचुरेट हो जाता है अगर इसको एक्सपोज किया जाए एसिड या बेस से। तो यहां पर एसिड या एल्कली से जब इसको एक्सपोज किया जाएगा तो प्लेसेंटा प्रीविया में मैटरनल ब्लड में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन डीनेचुरेट हो जाता है। इस वजह से यहां पर हम मैटरनल ब्लड को चेक कर सकते हैं। तो यहां पर रिएजेंट के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ तरीका ऐसे अपनाया जाता है कि हमें तो पता नहीं ब्लड कौन सा बाहर आ रहा है, मदर का है या फीटस का है। व्हाट एवर ब्लड जो भी बाहर आ रहा है उसमें हम KOH मिक्स करते हैं। तो यहां पर मैटरनल वेजाइना से जो भी ब्लड
निकल रहा है उसको कलेक्ट करते हैं टेस्ट ट्यूब में और उसमें रिएजेंट के रूप में KOH को मिक्स करते हैं। KOH मिलाने के बाद, KOH को ऐड करने के बाद हम ब्लड का टेस्ट कलर हम जांचने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर देखेंगे KOH को ऐड करने के बाद अगर कलर ब्लड का चेंज नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है वो डीनेचुरेट नहीं हुआ। डीनेचुरेट नहीं हुआ यानी ये फीटल ब्लड है, HbF हीमोग्लोबिन रखने वाला ब्लड है, ये फीटल ब्लड है। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि जो ब्लीडिंग है वो फीटल ओरिजिन की है यानी वैसा प्रीविया की ब्लीडिंग है। इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर सकते हैं। दूसरी तरीका ये है कि अगर इससे अलग हुआ, रिजल्ट इससे अलग आ रहा है, डीनेचुरेट हो गया KOH को ऐड करने के बाद ब्राउन कलर टेस्ट ट्यूब में दिखने लगा, तो इससे कंफर्म हो जाता है कि हीमोग्लोबिन डीनेचुरेट हो गया यानी यहां पर HbA है यानी वो ब्लड मैटरनल ओरिजिन का है, मैटरनल ओरिजिन का ब्लड है यानी प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से ब्लड लॉस हुआ है। तो इसको अंतर करना जरूरी होता है। एक बात याद रखें, जब कभी भी वैसा प्रीविया की कंडीशन है जिसमें वेलामेंटस कॉर्ड जाकर के फीटल मेम्ब्रेन पर जुड़ गया है, तो ऐसे मामलों में यानी वैसा प्रीविया की कंडीशन में मैनेजमेंट होता है सिजेरियन सेक्शन से डिलीवरी। अब एक सवाल यह भी पूछा जाता है कि क्वालिटेटिव टेस्ट तो हम लोगों ने कर लिया, क्वालिटेटिव टेस्ट अभी हम लोगों ने देख लिया, सिंगर एल्कली डीनेचुरेशन टेस्ट। अगर क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी के आधार पे बताना है, फीटल ब्लड को हमें चेक करना है, क्वांटिटी टेस्ट, क्वांटिटेटिव टेस्ट करना है, तो उसके लिए अलग टेस्ट होते हैं। ये क्वालिटेटिव टेस्ट अभी हम लोगों ने किया था, फीटल ब्लड के क्वालिटेटिव टेस्ट के लिए सिंगर एल्कली डीनेचुरेशन टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा अगर क्वांटिटेटिव टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग फीटल ब्लड, तो इसके लिए स्पेशल टेस्ट होता है। यहां पर जो टेस्ट क्वांटिटेटिवली डिटेक्ट करता है फीटल ब्लड को वो है क्लेहर बैटकी टेस्ट। इसमें एडल्ट हीमोग्लोबिन को और फीटल हीमोग्लोबिन को अलग तरीके से स्टेन करने के बाद हम इसमें चेक करते हैं। नाम सिर्फ याद रखना है, प्रोसीजर याद करना जरूरी नहीं है। इस इमेज में जैसा कि आप नाम से देख रहे हैं वैसा प्रीविया सॉल्यूशन इसका नाम रखा गया है, और मैंने आपको बताया था कि सिंगर एल्कली डीनेचुरेशन टेस्ट में या तो आप KOH का इस्तेमाल कर लें या NaOH का इस्तेमाल कर लें, ये दोनों से सिमिलर रिजल्ट्स आते हैं। और आप देख रहे हैं कलर चेंज नहीं हुआ तो फीटल ब्लड है, कलर चेंज हो गया तो मैटरनल ब्लड है, ये ब्राउन कलर का हो गया डीनेचुरेशन की वजह से। तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों टर्म को याद रखना है। क्वांटिटेटिव के लिए क्लेहर बैटकी टेस्ट, मैंने आपको बताया उसका प्रिंसिपल याद नहीं रखना है, वहां पर रिएजेंट याद रख सकते हैं। रिएजेंट का जो इस्तेमाल किया गया था वो सिट्रिक एसिड फास्फेट बफर यहां पर इस्तेमाल किया गया था। तो ये क्लेहर बैटकी टेस्ट जो कराई जाती है वो बेसिकली क्वांटिटेटिवली कराई जाती, क्वांटिटेटिवली टेस्ट है जो कि आरएच नेगेटिव फीटस में, आरएच नेगेटिव फीमेल्स में NTD, आरएच नेगेटिव फीमेल में NTD के डोज को कैलकुलेट करने के लिए कराई जाती है। इस दौरान जो रिएजेंट इस्तेमाल किया जाता है वो सिट्रिक एसिड फास्फेट बफर का इस्तेमाल किया जाता है। पूरी प्रिंसिपल हमें जानना नहीं है। अब एक सवाल यह भी आता है कि वो टेस्ट जो डिफरेंशिएट करता है फीटल ब्लड और मैटरनल ब्लड के बीच में, तो एक सिंपल सा आपको आंसर देना है, सिंगर एल्कली डीनेचुरेशन टेस्ट, उसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखना है। एक सवाल यह पूछा जाता है कि वो टेस्ट जो कि फीटल हीमोग्लोबिन और मैटरनल हीमोग्लोबिन के बीच में अंतर बता सकता है, हीमोग्लोबिन के बीच में, ब्लड देख करके हमने कहा, ब्लड देख करके हमने जो रिजल्ट बताया वो बताया था
सिंगर सिंगर एल्कली डीनेचुरेशन टेस्ट, जिसमें हमने ब्लड देख करके बताया था, लेकिन अगर हीमोग्लोबिन को देख करके, फीटल और मैटरनल हीमोग्लोबिन को देख करके बताना हो तो क्लेहर बैटके टेस्ट कराया जाना चाहिए। टर्म और दोनों के बीच के स्लाइट डिफरेंस को याद रखना जरूरी है। आप यहां पर देख सकते हैं सिट्रिक एसिड फास्फेट बफर से ट्रीट किए जाने के बाद ब्राइट पिंक कलर के अगर सेल्स नजर आ रहे हैं तो वो फीटल सेल्स होते हैं, जबकि मैटरनल जो सेल्स होते हैं वो कलर नहीं लेते हैं। तो ये मैटरनल घोस्ट सेल हैं और ये ब्राइट पिंक फीटल सेल हैं। इसकी बहुत सारी प्रक्रियाओं को हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जानना है, बस इतना जानना है कि ये फीटल हीमोग्लोबिन और मैटरनल हीमोग्लोबिन में भी अंतर बता सकता है। तो दोनों टेस्ट का डिफरेंस पता होना चाहिए। इसके अलावा एक सवाल पूछा जाता है कि हिमेटोपोइसिस का पहला साइट क्या है, हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस का फीटस में पहला साइट क्या है। ये कुछ अप्लाइड क्वेश्चंस हैं जिसको याद करना जरूरी है। तो हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस पर सवाल पूछा जा सकता है या सीधे तौर पर फीटल हिमेटोपोइसिस पर सवाल पूछा जा सकता है। तो पहला साइट जो हिमेटोपोइसिस का होता है वो योक सैक होता है। फर्स्ट साइट ऑफ हिमेटोपोइसिस योक सैक होता है, जो कि 14th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन 14th डे से योक सैक काम करना शुरू कर देता है। इसके बाद लीवर, नेक्स्ट ऑर्गन लीवर होता है जो कि हिमेटोपोइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लीवर 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी पर यह काम करना शुरू कर देता है। फिर 15th टू 16th वीक पर आकर के बोन मैरो काम करना शुरू कर देता है और स्प्लीन में हिमेटोपोइसिस 19 टू 20 वीक में स्टार्ट हो जाती है। तो हिमेटोपोइसिस के अलग अलग पार्ट्स हैं, टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से बदलता रहता है। सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी, इस तरीके के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं, चलिए एनोमलीज की। जैसे कि हमने आपको बताया है अम्बिलिकल आर्टरी दो होती हैं, लेकिन अगर सिंगल हो जाए तो क्या होगा। तो इस तरीके की एनोमलस कंडीशन यानी एनोमलीज ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। तो आमतौर पर दो अम्बिलिकल आर्टरी होती हैं और एक अम्बिलिकल वेन होती है, लेकिन यहां पर अगर सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी रही तो ये कंडीशन कैसे पॉसिबल है। तो ये मोस्ट कॉमन वैस्कुलर एनोमली है कॉर्ड की और इसका इंसिडेंस 0.7 to 0.8% देखा गया है सिंगल प्रेगनेंसी में, और इसके इंसिडेंसेस मोस्ट कॉमन होते हैं ट्विन प्रेगनेंसी में। सिंगल प्रेगनेंसी में इसके इंसिडेंसेस कम होते हैं, ट्विन प्रेगनेंसी में ज्यादा होते हैं। ब्लैक फीमेल में इसके इंसिडेंसेस ज्यादा देखे गए हैं जिसमें सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी पाया जाता हो। डायबिटिक फीमेल में भी इसके इंसिडेंसेस ज्यादा तौर पर देखे गए हैं। फीमेल जिनमें इक्लैम्सिया हो उनमें भी सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी की प्रेजेंस देखी गई है। एपिलेप्टिक फीमेल एंटीपार्टम हेमरेजेस के कंडीशन में भी सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी देखी गई है। ऑलिगो हाइड्रोमनियोस से भी एसोसिएटेड कंडीशन में सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी देखी गई है। पॉलीहाइड्रोमनियोस के केसेस में भी सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी की प्रेजेंस देखी गई है। अब ये फाइंडिंग क्या सिग्निफिकेंट है? तो दिस फाइंडिंग इज नॉट इनसिग्निफिकेंट, ये बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है। ये नॉट इनसिग्निफिकेंट यानी ये बहुत ही सिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि अगर सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी है तो अपने आप समझ में आ रहा है या तो डायबिटीज होगा, या तो एक्लेम्सिया होगा, या तो एपिलेप्सी होगा, या फिर ट्विन प्रेगनेंसी है। इस तरीके की जो हायर रिस्क है वो हो सकते हैं, इसलिए ये कहीं ना कहीं कॉन्जेनाइटल माल फॉर्मेशन के बारे में आइडिया देते हैं। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि अगर सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी है तो फीटस का प्रॉपर इवेलुएट करना जरूरी होता है, क्योंकि ये कंडीशन अक्सर कॉन्जेनाइटल माल फॉर्मेशन के साथ प्रेजेंट करती है, जिसमें आप देखेंगे मोस्ट कॉमन जो माल फॉर्मेशन है वो रीनल माल फॉर्मेशन फॉलोड बाई सीवियस
कंजनाइटल एनोमली होती है। तो यहां पर रीनल और सीवियस माल फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। अगर किसी फीटस में सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी और कंजनाइटल माल फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है तो ये हाई चांसेस हैं कि उसमें ट्राइसोमी भी होगी। तो बात समझें, सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी है, कोई कंजनाइटल माल फॉर्मेशन भी है। मैंने आपको बताया संभावना होती है, लेकिन अगर संभावना बिल्कुल 100% श्योर है तो आपको एक और चीज देखना चाहिए कि फीमेल सॉरी ये फीटस कहीं ट्राइसोमी तो नहीं है इस फीटस में। तो इस तरीके के केसेस भी यहां पर एसोसिएटेड हो सकते हैं, खासतौर पर ट्राइसोमी ऑफ 18 हो सकता है। तो ये अलग अलग कंडीशन है। आपको क्रोमोसोम नंबर ह्यूमन में कितना होता है, 46 होता है। ट्राइसोमी को चेक करने के लिए आपको पता है क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे। और इसको पता करने के लिए कैरियोटाइपिंग कराने की जरूरत पड़ती है। तो इस आधार पर हम लोगों ने इस बार डिस्कस किया अम्बिलिकल आर्टरी के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में।